हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो को। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो बीएससी थर्ड ईयर में है। इसमें हमने पिछले कुछ वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक शुरू किया था, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को आप एंड तक देखिए, बहुत आसान एग्जाम्पल है और बहुत आसानी से आप सभी के समझ में आने वाला है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमको दिया हुआ है कि यदि P, Q तथा R तीन कोई बिंदु है, पॉइंट है, जिनकी सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 और Z1+Z2 है। क्लियर स्टूडेंट्स, तीन बिंदु हैं पी क्यू आर, जिनकी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 और Z1+Z2। तो प्रदर्शित करना है हमको कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज में आप जानते हो सभी कि देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, मान लीजिए यहां हमने लिख दिया पी क्यू। देखिए जो पॉइंट हमको दिए ना, वो उसी ऑर्डर में लिखने हैं, ओ पी आर क्यू इसी ऑर्डर में लिखने हैं। तो हमने यहां वो ले लिया, तो ओ पी और यहां पर आर आना चाहिए। तो जिस ऑर्डर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमको पॉइंट दिए हुए हैं, उसी ऑर्डर में लिखने हैं। तो ओ पी आर और क्यू, ये कोई समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए एक सीधा सा नियम है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होंगे, जैसे कि एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण O को R से मिला देंगे तो हो जाएगा। तो OP, ये PQ और OR जो दो विकर्ण है, अगर हम इनका मध्य बिंदु निकालेंगे दोनों विकर्णों का अलग अलग, तो वो मध्य बिंदु समान आना चाहिए। अगर समान आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो हमको चार पॉइंट हमने लिए हुए एक चतुर्भुज के ऊपर, वो चारों पॉइंट एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस प्रश्न के अंदर हमको क्या करना है कि हम एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और जिस ऑर्डर में हमको ये पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ओ पी आर क्यू हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ओ पी आर क्यू के ऑर्डर में ही हम उस समांतर चतुर्भुज के ऊपर इसको अंकित करेंगे। फिर हम इसके दो विकर्णों को लेंगे अलग अलग और उन दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को फाइंड आउट करेंगे, और वो दोनों मध्य बिंदु अगर एक जैसे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ओ पी आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक समांतर चतुर्भुज ओ पी आर क्यू ड्रॉ किया हुआ है, जहां पर पी क्यू इसका एक विकर्ण हो गया और ओ आर इसका दूसरा विकर्ण हो गया। अब देखिए ऊपर हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो पी क्यू और आर बिंदु हैं, इनकी सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 और Z1+Z2 है। और यहाँ पर जो ये बिंदु ओ आर है, इसको हम यहाँ पर मूल बिंदु मानेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट हम 0, 0 ले सकते हैं। मान लेते हैं हम, देखिए माना बिंदु ओ का की सम्मिश्र संख्या, इन सब की सम्मिश्र संख्या हमको माननी पड़ेगी, सम्मिश्र संख्या से ही हमको ये प्रूफ करना है। तो इसकी जो सम्मिश्र संख्या है उसको हम ले सकते हैं 0+i और 0। ये हमने ओ की सम्मिश्र संख्या मान ली। अब इसके अलावा Z1, Z2 और Z3 ये सब दिए हुए हैं हमको, तो अब हम पी क्यू और आर के लिए भी लिख लेते हैं। देखिए, तथा मान लिया हमने Z1 इक्वल टू हम ले लेते हैं X1+i/y1। इसी तरीके से हम X2 को ले लेंगे, Z2 को ले लेंगे। देखिए
जेड टू इक्वल टू हम ले सकते हैं एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू और जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू क्या होगा फिर, तो जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू होगा, इसको हम कॉलम वाइज अगर जोड़ते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स टू, ये वास्तविक भाग अलग जुड़ गए, काल्पनिक भाग में से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम वास्तविक और काल्पनिक भागों को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को अगर निर्देशांकों में बदलना है तो वास्तविक और काल्पनिक भाग जो उस सम्मिश्र संख्या के हैं उनको हम एक कोष्टक में कोऑर्डिनेट के रूप में लिख सकते हैं, और जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जेड वन जेड टू और जेड वन प्लस जेड टू तीन सम्मिश्र संख्याएं हो गई, जिनके वास्तविक और काल्पनिक भागों को अगर हम अलग अलग करके कोष्टक में लिखते हैं तो वो उसके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो इनको हमें कोऑर्डिनेट के रूप में ही लिखना है आगे सॉल्व करने के लिए। देखिए, तो अब बिंदु, एक बार हम ऊपर वापस डायग्राम पर चलते हैं। देखिए, ओ बिंदु के लिए हम जो सम्मिश्र संख्या है वो लिख सकते हैं जीरो जीरो। पी बिंदु की सम्मिश्र संख्या हमारे पास है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है यहां से। फिर उसके बाद क्यू के लिए दिया हुआ है हमको जेड टू दे रखा है क्यू के लिए, तो यहां पर हो जाएगा एक्स टू कॉमा वाई टू। और आर हमको दिया हुआ था जेड वन प्लस जेड टू, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू। तो ये हमारे पास चारों पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों, ये हम नियम लिख रहे हैं समांतर चतुर्भुज का, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु समान हो तो वह चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होता है। तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब हम पहला विकर्ण ले लेते हैं हम यहां से, तो पहला विकर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आर, विकर्ण पी आर का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा। जैसे दो बिंदु है, मान लीजिए कि वन कॉमा टू और थ्री कॉमा थ्री, जैसे मान लीजिए कि ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली ये एक रेखा है और इसका मध्य बिंदु हमको निकालना है। तो सीधा सा नियम है कि x कोऑर्डिनेट को जोड़ के दो का भाग लगाना है और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के दो का भाग लगा देना है, तो वो उसका मध्य बिंदु आ जाता है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करते हुए हम मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर निकालेंगे। हमें पता है कि पी पी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन वाई वन है, और R बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो X1 प्लस X2 और Y1 प्लस Y2 है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डायग्राम से एक बार टैली कर लेते हैं कि जो विकर्ण हमको चाहिए वो कौन कौन से हैं। देखिए, हमने
ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, तो एक विकर्ण तो यहाँ पर हमको दिख रहा है पी क्यू विकर्ण है और एक ओ आर विकर्ण है, तो दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु हमको निकालने, तो सबसे पहले हम पी क्यू विकर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो ये पी आर नहीं है, ये पी क्यू विकर्ण का मध्य बिंदु हमको यहाँ पर निकालना है। तो पी क्यू का जो मध्य बिंदु हमको निकालेंगे, तो पी का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है एक्स वन वाई वन है और क्यू का एक्स टू वाई टू है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को हमने जोड़ा तो वो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू, और दो का भाग लगाना होता है तो दो का भाग लग गया, और वाई कोऑर्डिनेट जोड़ देंगे दोनों तो वाई वन और प्लस वाई टू और अपॉन टू, तो ये पी क्यू जो विकर्ण है उसका मध्य बिंदु यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हम सेकेंड विकर्ण इसका ले लेते हैं ओ आर, विकर्ण ओ आर का मध्य बिंदु, तो विकर्ण ओ आर का जो मध्य बिंदु है, देखिए ओ का निर्देशांक तो हमारे पास मालूम है जीरो है, ये जीरो हो गया, प्लस इसमें आर का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ना है, तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस एक्स टू है, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ से एक्स वन प्लस एक्स टू और बटे में हमको दो करना है। इसी तरीके से फिर ओ बिंदु के अंदर वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो है और इसके अंदर आर का वाई कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू और इसमें दो का भाग लगा देंगे और ये सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू और अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू और अपॉन टू। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों विकर्णों के जो मध्य बिंदु है वो समान आए हैं, यहाँ हमको दिख रहा है कि पी क्यू का मध्य बिंदु और ओ आर का जो मध्य बिंदु है वो समान है, यहाँ हमको दिख रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है स्टूडेंट्स, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो समान जो चतुर्भुज हमने लिया है जिसके ये शीर्ष दे रखे थे ओ पी क्यू आर, वो एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो ये नियम हम लास्ट में फिर से लिख सकते हैं, मध्य बिंदु समान है अतः यह एक समांतर तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सीधा सा एग्जांपल था कि अगर हमको कोई चार शीर्ष किसी चतुर्भुज के दे रखे हों और प्रूफ करना हो कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो सीधा सा फॉर्मूला है कि उसके विकर्णों के मध्य बिंदु इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो चारों शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने किया है। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स के ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया हो, वीडियो को पहली बार देख रहा हो और उसको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।